सो हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अगर मेरे चैनल पे हो नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा आपको पता है कि मैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर स्टूडेंट, और आप हमारे डेली लाइफ स्टाइल को तो देखते ही रहते हैं। मैंने घर के काम फटाफट ख़त्म करके अपने लिए नाश्ता भी रेडी कर लिया था। नाश्ता रेडी करने के बाद से मैं कॉलेज के लिए हो रही थी लेट, तो फटाफट मैंने अपना नाश्ता फिनिश किया। देन अभी मैं कर रही हूँ अपने ऑटो का वेट। मॉर्निंग टाइम में आप देख सकते हो कितनी धूप है। अभी टाइम अप्रोक्स 9:30 हो रहे होंगे। ऑटो में के टाइम में भी इतना धूप लग रहा था कि मुझे तो आँखें भी बिल्कुल खोल नहीं मैं पा रही थी। उम्मीद बस यही है कि क्रॉसिंग ना हो, क्योंकि क्रॉसिंग की वजह से हम लोगों को हर टाइम झेलना पड़ जाता है। कभी कभी तो पता है डबल क्रॉसिंग लग जाती है, जिसके वजह से हम लोग को काफ़ी लेट हो जाता है। देन थैंक्स टू गॉड कि क्रॉसिंग नहीं है। जब क्रॉसिंग नहीं रहती है तो हम बहुत खुश होते हैं। देन कॉलेज पहुँच चुके थे। देन हम अपना बॉटल भरने आ चुके थे। सुबह के टाइम आप देख सकते हो कितनी धूप है, और हमारा फ़ोन अब हो जाने वाला है सबमिट। अब हमारी चलेंगी क्लास। देन अभी हो चुकी है छुट्टी और मैं निकल चुकी हूँ अपने रूम के लिए। फाइनली मुझे पता है रूम पे आके थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है। कॉलेज से आने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या लगता है? जो मतलब सब्जी लाने का जो टेंशन होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। मतलब कॉलेज से आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि आप मार्केट जाओ, मार्केट से जाके सब्जियाँ लाओ। इसलिए मैं जब भी आती हूँ ना कॉलेज से, तो डायरेक्ट मैं चली जाती हूँ मार्केट, वहीं से सब्जियाँ लेके फिर तब मैं रूम पे वापस आती हूँ। तो आज भी मैंने ठीक वैसा ही किया, डायरेक्ट मैं मार्केट गई, सब्जियाँ लेके आई। तब मुझे आके थोड़ा सा अभी लग रहा है कि हाँ, मतलब कहीं पे भी जाना नहीं है, ठीक रिलीफ करना है। रिलीफ क्या करना है? मोस्टली जो नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं ना, कहीं कहीं 10 बजे भी लगते हैं, लेकिन मोस्टली आप देखोगे तो 9:30 बजे से कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और आपके 4:30 बजे तक कॉलेजेस चलते हैं, ठीक है। तो 4:30 बजे आप रूम पे आओगे, खाने पीने में फ्रेश होने में आपको समझ लो ना 5:30 लग ही जाते हैं। जो भी मेरे कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर हो सकता हो जो बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो, या फिर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो, या फिर उनको मन हो करने का बीएससी नर्सिंग, तो देख लो तुम्हारा ये फ्यूचर है, ठीक है। आने के बाद से पता है क्या, कुछ भी करने का मन नहीं होता है, ना खाना बनाने का मन नहीं करता है। लेकिन हाँ, प्रेशर इतना हाई होता है कि आपको सब करना पड़ता है। आपको देखो आने के बाद से मुझे क्या करना है, अभी मैं चाहूँ भी कि अगर मैं थोड़ा सा सो लूँ, तो कॉलेज से इतना प्रेशर होता है। आपको असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने होते हैं, आपको सारे जो भी केस बुक मिलते हैं वो भी आपको फिल करने होते हैं, क्योंकि आपको डेट पे डेट मिलते रहते हैं। आपको बिल्कुल आराम नहीं करना होता इतना भी, मतलब जितना देखने में लगता उतना भी आसान नहीं है बीएससी नर्सिंग, ठीक है। ईजी है, इन्जॉय करके करो तो ईजी लगेगा, लेकिन जो असाइनमेंट्स मिलते हैं, केस बुक मिलते हैं, हाँ, और बीच बीच में प्रेजेंटेशन का जो मिलता है ना, मतलब उसमें तो स्ट्रेस लेवल एकदम वूम सा करके हो जाता है। फिर भी करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, करते हैं हम लोग। फिर भी अभी क्या है कि मैं जो भी सब्जियाँ लाई हूँ अरेंज की हूँ, फिर शाम को खाना बनाने का भी टेंशन होता है, खाना भी बनाओ, आपको सारे सिलेबस भी कंप्लीट करने होते हैं, देन आपको असाइनमेंट भी कंप्लीट करने होते हैं, प्रेजेंटेशन भी आपको देने पड़ते हैं। मैं दिखाऊँ अपनी केस बुक, इतनी मोटी केस बुक है जो आपको फिल करने हैं, एंड आखिरी डेट भी उसकी आ चुकी है कि आपको कब जमा करने हैं। देन आपको इंस्ट्रूमेंट फाइल, मेरा तो लास्ट ईयर है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर, 4 साल का होता है बीएससी नर्सिंग, आप सबको पता है, ठीक है। तो 4 साल आपको असाइनमेंट मिलते हैं, लास्ट में आपको इतनी मोटी मोटी फाइलें जमा करनी पड़ती है, देन जब आपका प्रैक्टिकल होता है तब। लेकिन जब क्लासेस चलती हैं तभी हम लोग अपना काम करते रहते हैं, सारी पूरी होती रहती हैं। तो बस अभी इतना ही नहीं है, अभी तो क्लिनिकल ड्यूटी से हम लोगों को रिलीफ मिला हुआ है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जल्दी हम लोग की कम्युनिटी विजिट स्टार्ट होने वाली है। और हाँ, कम्युनिटी विजिट की भी वीडियो जरूर आएगी। और हाँ, जब बीएससी नर्सिंग करने वाले स्टूडेंट हो तो अपना फ्यूचर बस देखते रहना कि और क्या क्या तुम्हारे लाइफ में होने वाली है, ठीक है। देन अपना ख्याल रखना, देन टेक केयर, बाय बाय, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू, हम्बली रिक्वेस्ट यू, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।